स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे जीके का चैप्टर 5 है, क्लास 3 का, ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस के ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है साइंस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। साइंस क्या किया है, ऑलमोस्ट हमारे सारे, मतलब हमारे लाइफ में सारे चीज़ों को कवर कर लिया है। वी गेन नॉलेज बाय रीडिंग वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, और हम लोग इसके बारे में नॉलेज लेंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। नेम द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस, और नीचे कुछ ब्रांच साइंस का दिया गया है, उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे डैश इज द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, क्या है जो मतलब हेवनली बॉडी को पढ़ सकता है, तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। मतलब वो शायद जो ज्योतिष जिसको बोलते हैं हम लोग, वही। उसके बाद डैश इज द स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन, और जो क्या कौन सा ऐसा चीज़ है जो एप्स मतलब लंगूर को पढ़ सकता है, लंगूर्स के बारे में पढ़ता है और आदमियों के बारे में भी पढ़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। पहला में क्या बताए थे, एस्ट्रोनॉमी, सेकंड में क्या था, एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड में है डैश इज द स्टडी ऑफ हार्ट, और क्या है जो हार्ट के बारे में, मतलब किसको हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं किस चीज़ से, तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट। फिर डैश इज द स्टडी ऑफ स्किन, तो क्या हो जाएगा, डर्मोटोलॉजी, डर्मोटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन। उसके बाद है डैश इज द स्टडी ऑफ कंडीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो क्या हो जाएगा, जूलॉजी, जो अर्थ के कंडीशन को, कंडीशन और उसके स्ट्रक्चर, उसके आकार के बारे में जिसमें रीडिंग किया जाता है, जिसमें स्टडी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जूलॉजी। उसके बाद हो जाएगा डैश इज द स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, और जो गार्डन में फूल मतलब जो कल्टीवेट किया जाता है, जो बोया जाता है, उसके बारे में जो पढ़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। उसके बाद डैश इज द स्टडी ऑफ फंगी, और जो कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। डैश इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में जो जिसमें पढ़ा जाता है, वो क्या होता है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। या उसके बाद डैश इज द स्टडी ऑफ बर्ड, और जिसमें हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। डैश इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, और जिसमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज़, ये सब क्या है, साइंस के शाखाएं हैं। इसको आप लोग पहले कॉपी में इसका आंसर नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसको याद कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को नोट करने के बाद इसको याद कर लेना, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।